चल पड़े भाई चल पड़े। लगातार पांचवी बार आप पैदल यात्रा पर जा रहे हैं, मन्नत होती है आपकी मुकेश की जीत को लेकर, क्या कहना चाहिए? माँ ने जो भी मांगा सब दिया और इसीलिए माता का धन्यवाद करने जाती हूँ। तो सिमी जी क्या कहेंगे आप, मुकेश अग्निहोत्री की गैर मौजूदगी में पूरी तरह से एक्टिव रहती हैं यहाँ पर भी, तो किस तरह से घर में और राजनीति दोनों तरफ जो है वो आप संभालते हैं? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि राजनीति में अगर लोगों के हमारे कोई काम है तो वो मैं विक्रांत को बोलती हूँ, डायरेक्ट मैं नहीं बोलती, विक्रांत के थ्रू वो काम करवाती हूँ। और सेकंड, घर चलाना तो औरत का ही काम है। तो पांचवी बार बड़ी जीत हुई है, क्या मानते हैं जनता को इसका श्रेय देगी? इसका जनता को बिल्कुल श्रेय जाता है। तो इस बार आपकी बेटी भी पूरी तरह से एक्टिव रही चुनावों में, क्योंकि मुकेश को पूरे हिमाचल दौरे पर जाना होता था, तो उस वैक्यूम को जो पूरा किया वो आस्था ने पूरा किया, और उसने फर्स्ट टाइम लड़कियों को बाहर निकाला और मंच पे भी लड़कियां बैठी, तो उसका पूरा श्रेय आस्था को जाता है। जिसने तो हाईकमान द्वारा मुकेश अग्निहोत्री को जो जो असाइनमेंट दी गई, क्या मानते हैं कितना खरा वो उस पर उतर पाए? इन्होंने सारी असाइनमेंट्स अपनी, जब इनको CLP लीडर बनाया तो राहुल जी ने बोला था कि हम आपको CLP लीडर बना रहे हैं लेकिन को डाउन नहीं करना है, तो इन्होंने 5 साल उन्हीं शब्दों को अपने जहन में रखा और एक भी बार ना अंदर ना बाहर कहीं पे भी कोई समझौता नहीं किया। तो क्या मानते हैं पार्टी के प्रति जो निष्ठा मुकेश अग्निहोत्री की रही है, अब पार्टी को भी उन पर भरोसा जताना चाहिए, CM का पद उनको देना चाहिए? अब इस बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या क्राइटेरिया होता है क्या नहीं होता है, पर मेरा ये मानना है कि निष्ठा अगर देखी जाए तो इन्होंने निष्ठा से ही काम किया है।